उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव की घड़ियां जैसे जैसे करीब आ रही हैं, नेताओं की जुबानी जंग ने भी धार पकड़ना शुरू कर दिया है। चाइना पाकिस्तान मंदिर मस्जिद अब्बा जान के साथ साथ जिन्ना का भी जिन उत्तर प्रदेश में एंट्री मार चुका है। गोदी मीडिया भी प्रमुख मुद्दों महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर सवाल करने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने में लगा हुआ है। सत्ता की दलाली में जरूरी मुद्दे दलाल मीडिया की जुबान पर नहीं आ रहे हैं। सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से जिन्ना को लेकर जब मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा तो उन्होंने जमकर लताड़ लगाते हुए मीडिया कर्मियों से पूछा कि आप इस तरह की बिना वजह के सवाल क्यों पूछते हैं। जिन्ना महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, आप जरूरी मुद्दों पर क्यों बात नहीं करते हैं, क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने, आइए आपको भी सुनवाते हैं। में क्यों नहीं पूछते हो? नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, जिन्ना से महंगाई कम हो जाएगी? जिन्ना का नाम आते ही राजनीतिक गलियारों में अच्छा नहीं, भारतीय जनता पार्टी में खाली भारतीय जनता पार्टी में अगर मुसलमान हटा दीजिए, भारत पाकिस्तान हटा दीजिए, हिंदू मुसलमान हटा दीजिए, मंदिर मस्जिद हटा दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जबान बंद हो जाती है। वही भाषा आप लोग बोलना शुरू किए हो। आप लोग देखो, महंगाई के विषय में आप अपनी सुरक्षा पत्रकार आयोग के विषय में क्यों नहीं पूछते? जो फोटोग्राफर है उनका जो है दुर्घटना बीमा के संबंध में क्यों नहीं सवाल करते? आप जो है प्रदेश में जो एक समान शिक्षा अनिवार्य शिक्षा लागू है इसके लिए क्यों नहीं सवाल करते हैं? आज जो प्रदेश में अराजकता का माहौल है, नफरत की राजनीति हो रही है, उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पे क्यों नहीं चर्चा करते हैं? अच्छा, पेट्रोल डीजल का दाम सरकार ने घटाया है, इसको आप इस समय किस नजरिए से देख रहे हैं? इस नजरिए से देख रहे हैं कि भी उपचुनाव में जनता ने इनको शिकस्त दिया है और 50 रुपया पेट्रोल और 40 रुपया डीजल बेचवाना है तो उत्तर प्रदेश से इस सरकार को विदाई कर दीजिए और चुनाव बीतते ही पेट्रोल डीजल का दाम आधा हो जाएगा। जिस तरीके से गोदी मीडिया की ओम प्रकाश राजभर ने जमकर धुलाई की और आईना दिखाया, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।